बिल्कुल मानसी, देखिए जब आप आज ओपनिंग हुई मार्केट्स की तो भले एक रेंज में थी, लेकिन अभी पिछले कुछ मिनटों में आप लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने देखिए किस तरह का कवर अप किया है और यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अब जल्द ही 36,000 के अबव भी लेवल्स दिखाई देंगे। निफ्टी भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है, जहाँ 17,500 तक का एक बड़ा हर्डल दिख रहा था, शायद अब इसे टेस्ट बाजार कल कर सकता है। तो यहाँ पर आज गेनर्स किस तरह, मोमेंटम कहाँ रहा आज थ्रू आउट द डे, सेलेक्टिव पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ काउंटर्स जो आप नीचे देख रहे हैं जहां आपको आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ये टॉप गेनर्स रहे आपके निफ्टी के। डिविस लैब, भारती एयरटेल, सीमेंट पैक से आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ में भी आपको ब्लॉक डील्स दिखी प्री ओपन मार्केट में ही, और आप यहां पर देख रहे हैं कि इन सभी काउंटर्स में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। कुछ और सिलेक्टेड काउंटर्स जहां पर आपको काफी ज्यादा वॉल्यूम्स और प्राइस सर्ज अच्छा था, नॉट सिग्निफिकेंट था, जैसे स्टॉक लाइक अदानी पावर 13% की तक मूव दिखाई आज स्टॉक ने, आप 14% तक की मूव के साथ ही इनफैक्ट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पूरे पावर पैक में अगर आप देखें तो अदानी पावर में तो एक तेजी थी, लेकिन उसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स या दूसरे और स्टॉक्स को देखें तो वहां पर इतना सर्च नहीं था। तो सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग आज क्लियरली आपको दिखाई दे रही थी। इसके अलावा निफ्टी पर लूजर्स काउंटर्स कौन से थे? एक बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट मूव आपको हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट वन आवर में आई देखने को, उस पर उसका रीजन था कि जिस तरह से वहां रेट्स की बात कुछ दिन पहले आई थी पवन मुंजाल के घर के पर, और अब वहां पर यहां आ रही है 1,000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसिस की बात निकल कर, जिसके हमने एक बहुत बड़ा क्रैक देखा हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में जो 10% से ज्यादा वीक हुआ था, लेकिन बाद में कुछ मिनटों पहले बाजार क्लोजिंग से कुछ मिनटों पहले आपने देखा कि वहां कुछ कवर अप होते हुए लगभग 7% के पास डेंट के साथ क्लोज होने की तैयारी आपको हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ दिखाई दे। तो ये एक बड़ा ड्रैगर रहा आज निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो। दूसरे कौन से काउंटर्स थे जहां पर आप कोल इंडिया जैसे काउंटर्स जहां पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी थी वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी? ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में हमने एक सर्ज देखा जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हुए, हालांकि डीजल प्राइस फिर से बढ़े, पेट्रोल प्राइसेस फिर से बढ़े, लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। डिस्पाइट क्रूड अब काफी हद तक रिजिलियंट है, उसके बाद भी बाजार अब आप अगर देखें तो बाजार में जो उसके रिवर्स मूवमेंट्स थी वो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मार्केट लुक्स रिजिलियंट राइट नाउ और आपको सेलेक्टिव पॉकेट्स में क्लियरली बाइंग दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में क्लियरली बाइंग दिख रही है। पेन स्टॉक्स आप एक मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, टायर स्टॉक्स देख सकते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको आज दबाव देखने को मिला या फिर जो सेक्टर्स या स्पेसेस सिग्निफिकेंटली आज मूव दिखा रहे थे उसमें आपको फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस पता होगा कि कई दिनों से वहां मूव है, लेकिन आज कुछ और चर्न थे, स्टॉक चर्निंग हुई आज आपको फर्टिलाइजर स्पेस में। स्टॉक्स लाइक RCF, स्टॉक लाइक NFL नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट देखने को मिली। RCF तो एक टाइम पे 14% तक ऊपर था। चंबल फर्टिलाइजर तो हम देख रहे हैं बड़ा काउंटर जहाँ ऑलरेडी तेजी है, लेकिन RCF में आपको आज एक सडन मूवमेंट दिखी, बड़ा ब्रेकआउट देखा, जिसके बाद हमने देखा वॉल्यूम्स भी यहाँ ऐड हुए। तो फर्टिलाइजर काउंटर्स और उसके अलावा सीमेंट काउंटर्स ऑलरेडी लगातार तेज है, लेकिन JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार एक रेंज के पास, लेकिन क्लोजिंग के वक्त हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी और 100 odd points की आपको रिकवरी बाजार पर दिखा और 17,330 के आसपास आपको 100 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर लगभग 150 पॉइंट्स की रिकवरी आपको तेजी आपको यहां देखने को मिली।